नमस्कार दोस्तों, आज हमारी कहानी का विषय है अंतिम इच्छा का तमाचा। सुबह के 9 बज रहे थे। 75 वर्षीय राधा जी दो रोटियां और चाय लेकर अभी बैठी ही थी कि तभी पड़ोसन निर्मला काकी आ गई। पूछने लगी, कैसी तबीयत है? राधा जी बोली, तबीयत का क्या है बहन, अब तो उम्र ही ऐसी है, जब तक जिंदगी है बीमारियां भी तो लगी रहती हैं। तो राधा बहन, तुम शहर में अपने बेटे बहू के पास क्यों नहीं चली जाती? भरा पूरा परिवार छोड़कर यहाँ अकेले रहने में क्या मजा है? तेरा बेटा तो अफसर है, क्या वह तुझे अपने पास नहीं रख सकता? अरे बहन, ऐसी बात नहीं है, मुझे गांव में अपनेपन का एहसास होता है, और फिर तुम सब भी तो हो ना यहाँ। सुबह सुबह दो चार रोटियाँ सेकर रख देती हूँ, बाकी सारा दिन आराम से कट जाता है। कोई सर दर्द नहीं, कोई परेशानी नहीं, बस एक ही उलझन है कि बैठे बैठे यह पहाड़ सा दिन काटने को आता है। बैठे बैठे थक जाती हूँ तो फिर हार कर लेट जाती हूँ। दिन भर यही सब चलता रहता है। फिर पड़ोसन काकी सहानुभूति जताते हुए राधा जी के साथ खाट पर आकर बैठ गई और बोली, हाँ राधा जी, जीवन के सबसे बड़ी उलझन तो यही है। देखा जाए तो जवानी में इंसान के पास काम इतना होता है कि वक्त ही नहीं मिलता, और बुढ़ापे में काम कुछ नहीं होता, वक्त ही वक्त रह जाता है। बेटा बहू अपनी दुनिया में मस्त हैं और बूढ़े माँ बाप बैठकर बस मौत का इंतजार किया करते हैं। भगवान न करे कि अगर वृद्धजनों में से अगर कोई एक भगवान को प्यारा हो जाए तो दूसरे का जीवन तो नरक समान हो जाता है। दूर ही क्यों जाना, अब तुम ही देख लो राधा, जब से भाई साहब गुजरे हैं तेरे चेहरे की हंसी कहीं गायब ही हो गई है। ज्यादा दिन नहीं तो कुछ दिनों के लिए ही सही बेटे के घर घूमा, तेरा मन बदल जाएगा। हाँ बहन, सोचती तो मैं भी यही हूँ। कल शाम को ही साहिल का फोन आया था, अगले हफ्ते आने की कह रहा था। जब आएगा तो उसे कहूँगी कि मुझे भी अपने साथ ही ले चल। साहिल अपनी माँ राधा जी से मिलने 4 दिनों बाद ही आ गया। बेटे को देखते ही बूढ़ी माँ के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उनकी बूढ़ी हड्डियों में तो जैसे जान ही आ गई हो। उनका चेहरा खुशी से खिल उठा। अम्मा बड़े चाव से अपने बेटे के लिए खाना बनाने लगी। बेटे के आने की खुशी इतनी ज्यादा थी कि अम्मा बीमारी और घुटनों का दर्द भी अब वह सब कुछ भूल गई थी और साहिल की मनपसंद आलू पूरी बनाने लगी। लेकिन जब अम्मा आलू पूरी की सब्जी बनाने लगी तो आंखें कमजोर होने के कारण उन्हें मालूम ही ना पड़ा कि कितना पानी डाला है। पूरियां बनाने बैठी तो कहीं से मोटी कहीं से पतली, और हाथों से पूरियां जैसे ही तेल में तलने लगी तो तेल के छींटे हाथों पर आ गिरे। गरम तेल गिरते ही उनके हाथों में छाले पड़ गए। थोड़ा ठंडा पानी डालकर साहिल ने माँ के हाथों को कुछ आराम दिया तो अम्मा अपराध भाव से बोल उठी, क्या करूं बेटा, बुढ़ापे में हाथ पांव तो ठीक से काम नहीं कर पाते, अब तो आंखें भी धीरे धीरे जवाब देने लगी हैं। अपने लिए तो जैसे तैसे दो रोटियां बनाकर गुजारा कर लेती हूँ, पर तेरे खाने लायक खाना तो मैं ना बना सकी। तो साहिल बोला, क्या अम्मा, अच्छा भला तो बनाया है, कितने समय बाद तुम्हारे हाथ से आलू पूरी खाई है, मज़ा ही आ गया। अम्मा का दिल रखने के लिए साहिल ने कहा और आधा अधूरा पेट भर के ही उठ गया। फिर मन ही मन उसने तय किया कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, अब वह अपनी अम्मा को इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता। ऐसा सोचते हुए उसने अम्मा को अपने साथ चलने को कहा। शुरू में तो अम्मा आनाकानी करने लगी, लेकिन बाद में अम्मा उसे मना न कर पाई और दूसरे ही दिन गांव वालों को अलविदा कहते हुए राधा जी बड़े शौक से अपने बेटे के साथ शहर चली आई। बेटा बहू और पोता पोती के साथ बाकी का बुढ़ापा सुख से कटेगा, यह सोच सोच कर राधा जी स्वयं को भाग्यशाली महसूस कर रही थी। लेकिन जैसे ही राधा जी बेटे बहू के घर पहुंची, उन्हें इस बात का जल्दी ही एहसास हो गया कि उन्होंने शहर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। उन्हें देखते ही उनकी बहू कोमल का तो मुंह ही उतर गया। बड़े ही अनमने ढंग से उसने उनके पांव छुए। उनके पोता पोती से मिलने का जोश भी वहीं खत्म हो गया। जब दोनों ने आकर नमस्ते की औपचारिकता पूरी की और बिना कोई बात किए तुरंत खिसक गए। राधा जी के तो अरमान धरे के धरे रह गए। अपने बेटे के घर में ऐसा रूखा स्वागत प्राप्त
राधा जी हक्की बक्की खड़ी रह गई। उसी समय बहू की जोरदार आवाज सुनकर कांप सी गई। बहू काम वाली बाई से कह रही थी, पीछे वाले छोटे कमरे में से सारा कबाड़ का सामान बाहर निकाल दो और साफ सफाई करके अम्मा के लिए पलंग बिछा दो। बाथरूम पास में ही है तो अम्मा को कोई तकलीफ नहीं होगी। फिर सोफी की तरफ इशारा करते हुए अम्मा को कहा, यहाँ बैठ जाओ अम्मा, चाय पियोगी क्या? ले तो बूढ़ी अम्मा के हलक से जबान ही नहीं निकली, पर थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए हैरान परेशान अम्मा ने हाँ में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद काम वाली बाई चाय और नाश्ता लेकर अम्मा के पास आ गई। लीजिए अम्मा जी, राधा जी इधर उधर देखते हुए बोली, कोई नजर नहीं आ रहा, सब लोग कहाँ गए? तो बाई ने बताया, साहब का तो पता नहीं अम्मा, पर दीदी तो अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी में गई है और बच्चे दोस्तों के साथ बाहर निकल गए। अकेले बैठकर उदास भाव से चाय के घूंट भरते हुए राधा जी सोचने लगी, क्या मैं केवल इसी चाय की खातिर यहाँ गांव से शहर आई थी? राधा जी शहर में तो आ गई थी, लेकिन अकेलेपन का दंश हमेशा उन्हें डसता रहता। उन्हें हर पल उपेक्षा का अनुभव होता रहता था। हालांकि उनका बेटा साहिल उनका ख्याल रखने की पूरी कोशिश करता, दिन में एक बार आकर उनका हाल चाल भी पूछ लेता, लेकिन उसके पास भी ज्यादा समय नहीं होता था कि वह अपनी अम्मा के पास बैठ सके। और बहू तो राधा जी को देखकर बस औपचारिकता निभा देती थी। राधा जी के खाने पीने और कमरे की साफ सफाई का ख्याल काम वाली बाई ही रखती थी। पोता पोती को तो उनसे कोई मतलब ही न था। और अगर साहिल अपनी पत्नी कोमल को अम्मा का ख्याल रखने को कहता तो वह उल्टा साहिल पर ही भड़क पड़ती थी। अच्छी भली गांव में रह रही थी, क्या जरूरत थी उस मुसीबत को लाकर मेरे सर पर बैठाने की? एक तो शहर और ऊपर से इतनी महंगाई, इसी बात पर अक्सर साहिल और कोमल का झगड़ा होता रहता था। अब तो साहिल ने उसे कुछ कहना ही छोड़ दिया था। ये देखकर पूरे घर में एक काम वाली बाई कल्याणी ही थी जो राधा जी के साथ थोड़ा हंस बोल लेती थी। वह एक सरल महिला थी जो अम्मा जी के अकेलेपन को भली भांति समझ सकती थी। कल्याणी के पति का देहांत तो बहुत समय पहले ही हो चुका था और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए वह सोसाइटी के घरों में काम कर रही थी। जब तक काम वाली बाई घर में रहती तो राधा जी का भी दिल लगा रहता था। काम करते करते कभी अपना हालचाल बांट लेती थी तो कभी अम्मा जी का हालचाल सुन लेती थी। उनके साथ अम्मा जी का भी दिल लगा रहता था, लेकिन कोमल को उनकी यह बात भी पसंद नहीं थी। कोमल काफी हाई और मॉडर्न सोसाइटी में रहती थी, अक्सर कई बार नाक सिकोड़ती हुई ऊंची आवाज में उन्हें सुनाती रहती, जैसा स्टैंडर्ड है वैसे ही तो लोगों के साथ ही तो बातें करेंगी, आपको बात करने के लिए काम वाली बाई ही मिली क्या? न जाने कहां से लाकर इस गवार को यहां बिठा दिया है। बहू की यह बातें अम्मा के दिल में तीर से चुभती, लेकिन फिर भी अपमान के कड़वे घूंट को चुपचाप पी जाती, किसी से कुछ न कहती। एक दिन जब कल्याणी काम पर नहीं आई तो अम्मा बेचैन हो उठी। आखिर उसके अलावा और कौन था उनके पास हंसने पतियाने वाला? वह दिन अम्मा ने बड़ी मुश्किल से गुजारा। उस दिन सुबह से शाम तक अम्मा का दिन ऐसे ही गुजरा। जब अगले ही दिन कल्याणी काम पर आई तो अम्मा ने न आने का कारण पूछा। अम्मा के पूछते ही उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे और रोते हुए बोली, अम्मा वो दरअसल बात यह है कि मेरे बच्चे को गंभीर चोटें आ गई थी तो उसे अस्पताल में दाखिल करवाया था। डॉक्टर साहब ने बहुत खर्चा बता दिया है, इतना तो मेरे पास भी नहीं है, समझ नहीं आता कि क्या करूं। उसकी बात सुनकर अम्मा को उस पर दया आ गई। अगले दिन सुबह जब उनका बेटा साहिल ऑफिस जाने से पहले उनसे मिलने आया तो अम्मा ने बाई की मदद करने के लिए उससे कुछ पैसे मांगे तो साहिल बोला, अम्मा मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं कोमल से कह देता हूँ, वह आपको पैसे दे देगी। इतना कहकर साहिल ऑफिस के लिए निकल गया। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि उनकी बहू पैर पटकते हुए उनके कमरे में आ गई। कहने लगी, क्यों अम्मा, हमने कौन सी कमी छोड़ दी थी जो आपको पैसों की ज़रूरत आन पड़ी? लेकिन जैसे ही अम्मा जी ने काम वाली बाई की बात की तो कोमल भड़क उठी, हाँ हाँ बड़ी जायदाद छोड़कर गए हैं बाबूजी हम लोगों के लिए।
जो अब कामवाले बाई पर लुटाने बाकी रह गए हैं। और वैसे भी कामवाले बाई हर महीने अपनी तनख्वाह लेती है, उससे ज़्यादा मैं किसी को एक रुपया भी फालतू नहीं दे सकती। और अम्मा, आप कान खोलकर सुन लीजिए, अपने काम से मतलब रखा कीजिए, ये तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आप समझ रही हैं ना मेरी बात को? इस बात पर कोमल ने अपनी बाई कल्याणी को भी खूब फटकार लगाई। बहू का यह रूप देखकर अम्मा तो जैसे पत्थर की तरह जड़ हो गई, अपनी कुर्सी पर बैठी रह गई। अम्मा जब से आई थी तब से कोमल की आंखों में खटक रही थी। अक्सर वह अपने पति से भी कहती थी कि अम्मा को यहाँ पर अच्छा नहीं लगता, यही ठीक होगा कि आप उन्हें गांव वापस छोड़ दो, ताकि वह वहाँ अपने हम उम्र लोगों के साथ समय बिता सके। कभी कहती कि अम्मा को यहाँ शहर का वातावरण सूट नहीं कर रहा, जिससे उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। वह साहिल के कान भरती रहती थी, लेकिन साहिल अपनी माँ को छोड़ना नहीं चाहता था। एक दिन जब साहिल अपने ऑफिस से घर लौटा तो कोमल को नोटों की गड्डियाँ देते हुए बोला, कोमल ये संभाल कर रख लो, पूरे 2 लाख रुपए हैं। कोमल ने अपनी अलमारी में वह पैसे रखे और अलमारी को बिना ताला लगाए चली गई। अगले ही दिन घर में जैसे हंगामा सा हो गया। जब साहिल ने अपनी पत्नी से पैसे मांगे तो कोमल बोली, मैंने तो पैसे अलमारी में ही रखे थे, लेकिन अब मुझे वह पैसे मिल ही नहीं रहे। फिर साहिल बोला, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है, पैसे घर में ही होंगे। अरे रुपए तुमने ही तो रखे होंगे, जरा ध्यान से देखो, आखिर पैसे गए तो गए कहाँ। तो कोमल ने तिरछी नज़र से अम्मा की ओर देखते हुए कहा, बच्चे तो पैसे उठाने से रहे, अब हम दोनों के अलावा तो एक ही जान बचती है इस घर में जो पैसे उठा सकती है। और वैसे भी कुछ दिनों पहले तुम्हारी अम्मा कल्याणी को देने के लिए तुमसे पैसे भी मांग रही थी, मुझे तो लगता है कि कहीं माँ जी ने तो। फिर साहिल ने कहा, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? कोमल की यह बातें सुनकर साहिल को बहुत गुस्सा आ गया और चिल्लाते हुए बोला, कोमल तुम अपनी हद पार कर रही हो, माँ जी भला ऐसा कैसे कर सकती हैं? तुम मेरी माँ के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? माँ भला अपने ही घर में पैसों की चोरी क्यों करने लगी? और वैसे भी मेरा सब कुछ उनका ही तो है। साहिल परेशान था कि आखिर पैसे गायब कहाँ हो सकते हैं। साहिल के तो होश ही गुम थे, क्योंकि आज तक घर में ऐसा कभी नहीं हुआ था। उन दोनों ने पूरा घर छान मारा, लेकिन पैसे कहीं नहीं मिले। तभी कोमल बोली, साहिल एक बार मेरी बात मान लो और अपनी माँ के कमरे की तलाशी लो, मुझे तो लगता है कि पैसे वहीं से मिलेंगे। अगर तुम तलाशी नहीं लेते तो मैं लूँगी, लेकिन चोर बचकर नहीं जाएगा। इतना कहते हुए कोमल अम्मा जी के कमरे में घुस गई। तो अम्मा बोली, बहू यह तुम क्या कर रही हो? मुझे कुछ बताओगी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा यह सारा सामान यहाँ वहाँ क्यों फेंक रही हो? तो कोमल ने कहा, अम्मा जी आज तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाने दो। ऐसा कहते हुए कोमल ने अम्मा का लकड़ी का संदूक खोला और सारे कपड़े जमीन पर फेंक दिए। उसी समय नोटों की 2 गड्डियां भी निकल आई। यह देखते ही साहिल चौंक गया और वह चिल्लाते हुए बोला, हाँ ये क्या, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि तुम यह हरकत करोगी। अगर पैसों की इतनी ही ज़रूरत थी तो मुझसे बोल दिया होता। फिर कोमल बोली, यह क्या, तो 2 ही गड्डियां हैं, यहाँ तो केवल 1 लाख रुपए ही पड़े हैं। साहिल मुझे तो लगता है कि बाकी का 1 लाख काम वाली को दे चुकी है तुम्हारी माँ। तभी कल्याणी बोली, नहीं मेम साहब, हम गरीब ज़रूर हैं लेकिन चोर नहीं। उसके लाख कहने पर भी कोमल नहीं मानी और उसे काम से निकाल दिया। साहिल के पास भी अब कहने के लिए शब्द नहीं थे। साहिल भी अपनी नज़रें झुकाए हुए ऑफिस के लिए निकल गया और बूढ़ी अम्मा मन ही मन रोती रही। खुद से आंख मिलाने में भी उन्हें शर्म आ रही थी और फिर सोचने लगी, इतना बड़ा कलंक आज बहू ने मेरे माथे पर लगा दिया। मेरा वह बेटा जिसको पाल पोस कर बड़ा करने में मैंने अपनी सारी ज़िंदगी लगा दी, अपनी इच्छाओं की परवाह किए बगैर उसकी हर एक इच्छा पूरी की। उसी बेटे ने मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम भी चुपचाप स्वीकार कर लिया। बूढ़ी माँ की आत्मा चीख रही थी,
दिल में तूफान उठ रहा था, लेकिन ऊपर से वह बिल्कुल चुप थी। कभी कभी साहिल के भी दिमाग में आता कि उसकी माँ ऐसा नहीं कर सकती। वह अपनी पत्नी को भी यह बात समझाना चाहता था। एक आध बार उसने कोमल से दबी आवाज में इस बारे में बात भी की, लेकिन कोमल कहाँ मानने वाली थी। फिर एक दिन मौका पाकर कोमल ने कहा, साहिल बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। देखो तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अब मेरा तुम्हारे माँ के साथ गुजारा नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि तुम उन्हें गांव वापस छोड़ आओ, कि वह भी खुश रह सके और हम लोग भी आराम से जी सकें। फिर साहिल बोला, कोमल तुम पागल तो नहीं हो गई हो क्या? कैसी बहकी बहके बातें कर रही हो? गांव में मुझे सब बड़े अफसर के नाम से जानते हैं, और अगर मैं अपनी बूढ़ी माँ को ऐसी हालत में गांव में अकेले छोड़कर आऊँगा तो मेरी कितनी बदनामी होगी, समझती हो क्या? सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे? और वैसे भी माँ की जो हालत है उन्हें अकेले छोड़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। फिर कोमल ने कहा, तो ठीक है, गांव में नहीं छोड़ सकते तो अम्मा को वृद्धाश्रम छोड़ आओ, लेकिन मैं अब उनके साथ नहीं रह सकती। तुम समझो, उनके साथ रहकर हमारे बच्चों पर भी बुरा असर पड़ेगा। बस फिर क्या था, अगले ही दिन साहिल अपनी माँ के कपड़े पैक करने लगा। कपड़े पैक करते हुए अपनी माँ से बोला, माँ मेरी एक वृद्धाश्रम में बात हो चुकी है, कल सुबह मैं आपको वृद्धाश्रम में छोड़ आऊँगा, अब आप वृद्धाश्रम में ही रहेंगी। साहिल ने देखा तो अम्मा की आंखों में आंसू थे, आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी, अपनी कपकपाती आवाज में केवल इतना ही बोलती जा रही थी, बेटा मुझे नहीं पता कि तेरे पैसे मेरे संदूक में कैसे आए। वृद्धाश्रम जाते समय पूरा रास्ता अम्मा बस यही बोलती रही कि बेटा मेरी कोई गलती नहीं है, मैं वृद्धाश्रम नहीं जाना चाहती। तुम एक बार मेरी बात सुन तो लो, मैं घर के किसी भी कोने में पड़ी रहूंगी, किसी से कुछ नहीं कहूंगी। तेरे बाबूजी के जाने के बाद तू ही तो मेरा केवल एकमात्र सहारा है, अब तू भी मुझे ऐसे छोड़ देगा तो मैं कैसे जी पाऊंगी। साहिल ने अपनी पत्नी की बातों में आकर माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया और वापस कभी पलटकर नहीं देखा। वापस घर आकर साहिल अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में फिर से व्यस्त हो गया। उसने कभी पलटकर अम्मा को फोन तक नहीं किया। अम्मा को वृद्धाश्रम भेजकर कोमल के कलेजे को भी ठंडक पहुंच गई थी। आज अम्मा को वृद्धाश्रम पहुंचे पूरे 2 महीने हो चुके थे। इस बीच अम्मा ने अपने बेटे साहिल से फोन पर बात करने की 2 बार कोशिश की, परंतु दोनों ही बार कोमल ने फोन उठाया और यह बहाना बनाकर फोन काट दिया कि साहिल किसी काम से बाहर गया है। आज ऑफिस जाने को साहिल तैयार ही हुआ था कि तभी उनके पास अचानक फोन आया। हेलो सर, क्या आप साहिल बोल रहे हैं? जी मैं वृद्धाश्रम से बोल रहा हूँ, साहिल ने हाँ में जवाब देते हुए पूछा। हाँ पर आप? वो सर बात ऐसी है कि आपकी माता जी की मृत्यु हो चुकी है। माँ की मृत्यु की खबर सुनकर साहिल निशब्द रह गया और तुरंत वृद्धाश्रम के लिए निकल गया। जैसे ही साहिल अपनी पत्नी के साथ वृद्धाश्रम पहुँचा तो अम्मा के मृत शरीर को जमीन पर लिटाया जा रहा था, लेकिन साहिल ने देखा कि मृत्यु होते हुए भी उसकी माँ दोनों हाथों से एक तस्वीर को अपने सीने से चिपकाए हुए थी और माँ की दोनों बाजुएं ऐसे ही अकड़ चुकी थी। फिर एक बूढ़ी महिला साहिल के पास आई और बोली, क्या तुम ही इस बदनसीब माँ के बेटे हो? तो साहिल ने हाँ में सर हिला दिया। फिर वह बूढ़ी अम्मा बोली, बेटा तुम्हारी माँ जब से यहाँ आई थी तब से गुमसुम सी रहती थी, बस तुम्हारी ही तस्वीर को सीने से लगाए कुर्सी पर बैठी रहती थी और दिन रात तुम्हारा इंतजार करती रहती थी। लेकिन फिर वह बूढ़ी औरत अपने आंसू पोंछते हुए बोली, हाँ एक भली औरत अपने बेटे को साथ लेकर जरूर उनसे मिलने आई थी, उसे देखते ही तुम्हारी माँ के चेहरे पर खुशी आ जाती थी। अक्सर तुम्हारी माँ के लिए वह अपने हाथ से खाना बनाकर लाती थी और बड़े स्नेह के साथ अपने हाथों से खिलाती थी, लेकिन उसके जाते ही वह फिर से गम के गहरे समुंदर में गोते खाने लगती थी। किसी औरत और उसके बेटे का नाम सुनकर साहिल चौंक गया, सोचने लगा कि आखिर वह औरत कौन हो सकती है।
अकेले बैठकर आंसू बहाते हुए केवल एक ही बात करती रहती थी, मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है। कल रात को भी वह इसी तरह बैठी हुई थी और जब मैं सुबह उठी तब भी वह ऐसे ही बैठी हुई थी। जैसे ही मैंने जाकर तुम्हारी माँ को थोड़ा हिलाया डुलाया तो इस समय तुम्हारी माँ कुर्सी से नीचे गिर गई। बेटा, फिर मैंने वृद्धाश्रम के संचालक को सूचना दी तो डॉक्टर को बुलाया गया। जांच करवाई तो पता चला कि तुम्हारी माँ इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। साहिल चुपचाप उस वृद्ध महिला की बातें सुनता रहा। तभी उस वृद्ध महिला ने साहिल को एक चिट्ठी पकड़ाई और बोली, बेटा यह पत्र तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए लिखा है, इसमें तुम्हारी माँ ने अपनी आखिरी इच्छा व्यक्त की है। साहिल अपनी माँ का लिखा आखिरी पत्र पढ़ने लगा, लेकिन उस पत्र में जो कुछ भी लिखा था उसे पढ़ते ही साहिल को एक गहरा झटका सा लगा। एक ओर उसे अपनी माँ के साथ किए गए व्यवहार पर शर्म आ रही थी तो दूसरी ओर उसकी आंखें अंगारे उगलने लगी थी। वह पत्र पढ़कर साहिल अपनी माँ की मृत्यु पर दहाड़े मार के रोने लगा और चिल्लाने लगा, माँ मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपकी एक ना सुनी, मैंने कभी आपकी बात मानी ही नहीं, कभी आपको समय नहीं दिया और आज मुझे समझ में आया कि मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल की थी। उसके बाद माँ के मृत शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। बड़े दुखी मन से साहिल ने अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया और लगातार आंसू बहाते हुए अपने घर को लौट आया। साहिल की पत्नी को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पत्र पढ़ते ही अचानक साहिल को क्या हो गया था, वह ऐसे व्यवहार क्यों कर रहा था। कोमल ने साहिल के आंसू पोंछते हुए कहा, साहिल खुद को संभालो, हिम्मत रखो, मरकर कोई वापस नहीं आता और इस सच को बदला नहीं जा सकता। तभी साहिल गुस्से से कोमल को देखने लगा और उसका हाथ छिड़कते हुए बोला, मैं जानता हूँ कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही और मैं चाहकर भी उन्हें नहीं मिल सकता, लेकिन जब वह इस दुनिया में थी उन्हें मेरे साथ की ज़रूरत थी, वह मुझसे बातें करना चाहती थी, तब भी मैं उन्हें समय नहीं दे पाया और यह सब केवल तुम्हारे कारण ही हुआ है। तुमने मेरी माँ के खिलाफ ऐसी साजिश रची और मेरी माँ के प्रति मेरे मन में इतना जहर घोल दिया कि न चाहते हुए भी मैंने उन्हें खुद से दूर कर दिया, उनकी एक ना सुनी। अपने अंतिम समय तक वह बस एक ही बात कहती रही कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है, उनका कोई कसूर नहीं है, लेकिन मैंने उनकी एक ना सुनी। मैंने विश्वास किया तो सिर्फ तुम पर और तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। साहिल के मुंह से यह बातें सुनकर कोमल हैरान रह गई। उसी समय साहिल ने कोमल की माँ को फोन लगाया और बोला, जल्दी से आइए और ले जाइए अपनी बेटी को, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी कोमल जोर से चिल्लाई, साहिल तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो और मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो, बताते क्यों नहीं कि आखिर हुआ क्या है। तभी साहिल ने कहा, बस थोड़ी देर और तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। थोड़ी ही देर में कोमल की माँ अपने बेटे बहू को साथ लेकर तमकते हुए साहिल के घर आ गई। फिर उसकी माँ गुस्से से बोली, आखिर तुमने मेरी बेटी को समझ क्या रखा है, वह कोई सामान नहीं है जिसे आइए और ले जाइए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके बारे में ऐसा बोलने की, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। उसी समय साहिल चिल्लाया और बोला, जो आप लोगों के बस में हो वो आप कर लो, लेकिन अब यह औरत मेरे घर में नहीं रहेगी, आप जानते भी हैं कि आपकी बेटी ने क्या किया है। साहिल की गुस्से भरी जोरदार आवाज़ सुनकर कोमल की माँ थोड़ी शांत होती हुई बोली, लेकिन बेटा ऐसा भी क्या कर दिया कोमल ने कि तुम उसे घर से ही निकाल रहे हो। सासू माँ, अगर मेरी बात पर इतना ही गुस्सा आ रहा है तो अपनी बेटी से ही क्यों नहीं पूछ लेती। तभी उन्होंने अपनी बेटी की ओर देखा जो सबसे नजरें चुरा कर इधर उधर देख रही थी। फिर साहिल बोला, ठीक है अगर यह नहीं बताती तो मैं ही बताता हूँ कि आखिर उसने किया क्या है। दरअसल आपकी बेटी की आंखों में मेरी माँ शुरू से ही खटकती रहती थी, इतने समय तक मैं अपनी माँ से अलग रहा तो केवल आपकी बेटी की वजह से ही, और
अब मैं उनकी वृद्धावस्था में जब मैं उन्हें अपने घर लेकर आया तो आपकी बेटी ने ऐसी घिनौनी चाल चली जिसके लिए मैं तो क्या भगवान भी कभी उसे माफ नहीं कर सकता। ऐसा कहते कहते साहिल का गला रुंध गया। साहिल ने अपनी सास को अपनी माँ का लिखा हुआ वह पत्र दिखाया, कहा, यह पत्र मेरी माँ ने अपने अंतिम समय में लिखा है जिसमें उन्होंने अपने दिल की एक एक बात कही है। पत्र में लिखा है, मेरे प्यारे बेटे साहिल, सदा खुश रहो। जीते जी तो तुमने मेरी एक बात भी नहीं सुनी, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरे मरने के बाद जब तुम मेरा यह खत पढ़ोगे तो तुम्हें मेरी बात पर विश्वास होगा। दरअसल जिस दिन से मैं तुम्हारे घर आई थी उसी दिन से तुम्हारी पत्नी ने मुझसे सही ढंग से बात नहीं की। बात करना तो दूर, वह तो आए दिन मुझे ताने ही सुनाती रहती थी। जब मैंने कामवाली बाई को देने के लिए तुमसे पैसे मांगे थे और तुम बहू को यह जिम्मेदारी देकर ऑफिस के लिए चले गए थे तो बहू ने मुझे जो खरी खोटी सुनाई उसे मैं बयां नहीं कर सकती, लेकिन मुझे एक मजबूर विधवा माँ की लाचारी पर दया आ रही थी, इसलिए मैंने उसे अपने सोने की अंगूठी दे दी ताकि उसे बेचकर वह अपने बच्चे का इलाज करवा सके। लेकिन वह इतनी स्वाभिमानी महिला निकली कि मेरा कर्ज चुकाने के लिए उसने दिन रात मेहनत की और पैसे इकट्ठे किए। जैसे ही उसे पता चला कि तुम लोगों ने मुझे वृद्धाश्रम में भेज दिया है, वह मेरा कर्ज चुकाने के लिए यहाँ तक चली आई। अरे वह तो मुझे अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन मैंने ही यह कहकर मना कर दिया कि एक दिन मेरा बेटा साहिल मुझे लेने ज़रूर आएगा। बेटा, जिस दिन तुम्हारे पैसे गायब हुए थे उससे एक दिन पहले तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद कोमल मेरे पास आई और कहने लगी, क्या सारा दिन बैठी रहती है माँ जी, यूँ बैठे बैठे तो हड्डियाँ जाम हो जाएंगी, शरीर को थोड़ा चलाते रहना चाहिए। और ऐसा कहते हुए उसने कल्याणी के साथ मुझे पार्क में टहलने के लिए भेज दिया था। लेकिन मैं इतना भी नहीं समझ पाई कि जो बहू मुझसे बात तक करने को तैयार नहीं थी उससे आज मेरी इतनी चिंता कैसे होने लगी, वह मुझसे इतनी मीठी मीठी बातें क्यों कर रही थी। मुझे नहीं पता था कि बहू मेरे खिलाफ ऐसी चाल भी चल सकती है कि मेरे जाने के बाद तुम्हारे पैसे मेरे संदूक में रख कर मुझ पर और अपनी कामवाली बाई पर ही चोरी का इल्ज़ाम लगा देगी। सभी लोग साहिल की बात चुपचाप सुन रहे थे। पत्र पढ़ते पढ़ते साहिल रोने लगा और फिर बोला, सासू माँ, यह तो मैं जानता था कि आपकी बेटी मेरी माँ को पसंद नहीं करती, लेकिन उनसे छुटकारा पाने के लिए इतनी नीच हरकत पर उतर आएगी यह मैंने कभी नहीं सोचा था। तभी कोमल की माँ बोली, नहीं, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। तो साहिल ने कहा, सासू माँ, यह बात बिल्कुल सच है और यह उस दिन की बात है जब आपने अपनी बेटी को सोने की चेन दी थी। क्या कह रही हो बेटा साहिल? सोने की चेन का नाम सुनते ही कोमल की माँ बोली, नहीं बेटा, मैंने तो कोमल को कोई सोने की चेन नहीं दी। फिर साहिल ने कहा, अच्छा, पूछिए अपनी बेटी से, उसने तो मुझे अपनी नई सोने की चेन दिखाते हुए यही कहा था कि यह मेरी माँ ने दी है। इतनी बात सुनते ही कोमल के पसीने छूट गए। फिर साहिल ने कहा, सच सच बताओ कोमल, वह चेन तुमने उन 1,00,000 रुपए से खरीदी थी ना जो गायब हुए थे। यह सुनकर कोमल के भाई भाभी बड़ी हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। सभी नजरें कोमल पर थीं, लेकिन कोमल नजरें झुकाए चुपचाप खड़ी थी। फिर कोमल की माँ आगे बढ़ी, गुस्से में उसके मुंह पर दो सन्नाटेदार तमाचे दे मारे। फिर साहिल ने कहा, मैं ही बेवकूफ था जो अपनी माँ की एक बात नहीं सुनी। मैं तो तुम्हारे प्यार में इतना अंधा हो चुका था कि मुझे और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। इतना भी नहीं सोच पाया कि अम्मा के दो संदूक थे। और तुम्हें ये कैसे पता चला कि उनके किस संदूक में और कहाँ पैसे छुपाए हैं? जो संदूक खोलते ही तुमने पैसे निकाल लिए। फिर साहिल ने पत्र पढ़ते हुए कहा कि मेरी माँ ने अपनी आखिरी इच्छा लिखते हुए कहा है कि उनका गाँव वाला मकान काम वाली बाई कल्याणी के नाम पर कर दिया जाए ताकि अंतिम समय में जो उसने मेरी माँ की सेवा की है मैं उसका कर्ज चुका सकूं। और अंत में उन्होंने लिखा है कि इस पत्र को लिखने का उनका उद्देश्य किसी को गुनहगार साबित करना नहीं था बल्कि खुद को बेगुनाह साबित करना था और वह चाहती थी कि मैं अपने परिवार के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताऊं।
तभी उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। यह सब कहते हुए वह जमीन पर धड़ाम से बैठ गया कि अगर मैंने अपनी माँ को न छोड़ा होता तो आज वह मेरे सामने सही सलामत होती। काश मैंने एक बार उनकी बात पर भरोसा किया होता। उसे ऐसे रोता देखकर कोमल की माँ की आंखों में भी आंसू आ गए और बोली, ऐसी बेटी से तो अच्छा होता कि मेरी कोई बेटी ही न होती। तभी उसका भाई गुस्से से बोला, ऐसी घटिया हरकत करने से पहले तूने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर मैं और तेरी भाभी माँ के साथ यह सब करें तो तुझे कैसा लगेगा। एक और तेरी सास थी जिसने एक गरीब की मदद करने के लिए अपनी सोने की अंगूठी दे दी, वही दूसरी ओर तुम हो जिसने एक सोने की चेन खरीदने के लिए और अपनी सासू माँ से छुटकारा पाने के लिए ऐसी घटिया हरकत की। फिर साहिल को हौसला देते हुए उसकी सास बोली, बेटा मैं समझ सकती हूँ कि तुम पर क्या गुजर रही होगी और जो तुम्हारी माँ के साथ जो भी बीता है वैसे भुलाना तुम्हारे लिए आसान नहीं है, लेकिन मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरी बेटी को एक मौका और दे दो। तुम्हारी माँ की भी यही इच्छा थी कि तुम अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुशी से रहो। आज कोमल को पछतावा हो रहा था कि आखिर क्यों उसने खुद से ही अपनी गृहस्थी में आग लगा ली थी, क्यों उसने अपनी सास के साथ इतना गलत व्यवहार किया जिसके कारण साहिल उसके साथ रहते हुए भी कभी उसे माफ नहीं कर पाएगा, जिसके कारण उसे उम्र भर पश्चाताप की आग में जलना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको ये भावुक और प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी और कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।